हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है भाई 2:08 अप्रॉक्स, 2 बजे ही लॉग इन आया हूँ मैं बाहर। वैसे अभी लॉग इन आया हूँ जस्ट, और आते ही भाई ऊबर पे राइड मिल चुकी है दोस्तों अपने को। मात्र 450 मीटर से पिकअप है और हमें जाना है भाई पश्चिम विहार। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट और पिक करते हैं कस्टमर को और चलते हैं पश्चिम विहार और देखते हैं भाई आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। आज हम आफ्टरनून में लॉग इन आए हैं और आई होप यार वर्किंग डे है पूरा, तो फिर काम तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और मैं एथर लेके आया हूँ तो यार पेट्रोल भी नहीं लगना। और दोस्तों मेरी स्कूटी की बैटरी अभी है भाई 97%, तो यार 97% बैटरी पे चार्ज की जरूरत शायद पड़ जाए। अगर कहीं लॉन्ग रूट होंगे तो हम चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो हम चार्ज कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं भाई फटाफट, कस्टमर को पिक करते हैं और राइड को पूरा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऊबर की भाई हमने पहली राइड कंप्लीट की और कस्टमर से हमने 80 रुपये कलेक्ट कर लिए। अब ऊबर बाबा ने हमें दिया क्या है भाई, क्या दे रहे हैं आज ऊबर बाबा हमें? यार कमीशन तो 0 है ही है, तो ये तो चलो अच्छा है। तो दोस्तों 8.5 किलोमीटर के 75 रुपये मिले हैं। हाँ 78 तो दिखा रहा था यार, 78 के आसपास टैक्स काट के 75 रुपये मिले 8.5 किलोमीटर के, पर टाइम लग गया यार 24 मिनट। कोई नहीं यार, फिर भी ठीक है दोस्तों, रेट ठीक दे रहा है ऊबर, तो ऊबर पर करेंगे यार, और क्या हो सकता है। बाकी रैपिडो भी ऑन कर लेता हूँ मैं, क्या पता रेट तो रैपिडो भी अच्छा ही देगा यार, प्लान लिया हुआ हमने, कमीशन तो देनी नहीं। रैपिडो बाबा खुल जाओ। हाँ अब देखते हैं दोस्तों किस पे हमें राइड आती है। हम आ चुके हैं पश्चिम विहार साइड। तो दोस्तों बहुत देर से यार पश्चिम विहार खड़ा था, लगभग आधा घंटा हो गया यार, कोई राइड नहीं मिली। थोड़ा सा आगे भी आया रूट से बट कोई राइड नहीं। एक दो राइड आई भाई कैंसिल हो गई यार, मतलब खेलते हैं लोग। चलो कोई नहीं, अब राइड ले चुके हैं दोस्तों, 115 रुपये की राइड आ इसी के आसपास और हमें जाना है वज़ीरपुर। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, कोई नहीं, बट सही राइड है यार। वज़ीरपुर चलते हैं भाई, देखते हैं फिर वहाँ से क्या मिलता है। ऊबर पे ही लिया राइड यार, ये सबसे बढ़िया है। मोटो की राइड है और यार अब पार्सल नहीं लूँगा, अगर कोई बड़ा पार्सल हुआ ना तो नहीं लूँगा मैं भाई। लूँगा तो कस्टमर है या कोई छोटा मोटा पार्सल होगा जिम में डाल लेंगे बस, वरना पैकेज ही करो यार, क्यों नुकसान करवा रहे हो हमारा, अपना फ़ायदा करने के लिए हमारा नुकसान ना, अब नहीं भाई। तो चलिए भाई देखो यार, लोग स्प्लेंडर पे भी घूमते हैं यार, 3-3 बंदे वो भी बिना हेलमेट के, वाह भाई ये तो टशन है पूरा। ना यार हेलमेट के बिना तो मत चलो, वो भी 3 ट्रिपलिंग तो ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है स्प्लेंडर पे। यार ट्रिपलिंग कहाँ सेफ़ है भाई, ट्रिपलिंग सेफ़ नहीं है। चलिए देखते हैं दोस्तों, कस्टमर यहीं पर हैं। द हेयर पैलेस सैलून, हाँ यही तो है। यही है तन्मय जी शायद है। राइड कैंसिल, चलो कोई नहीं भाई साहब। ये देखो यार 3 राइडें कैंसिल हो चुकी हैं ऊबर पे, वाह खेल खेल रहे हैं लोग। लोकेशन पे आते ही राइड कैंसिल, क्या मतलब मजाक लगा रखा है ये, हद है यार। ना रैपिडो पे कोई राइड आ रही है, ना कुछ, कोई राइड नहीं भाई, ना ऊबर पे कुछ भी नहीं यार, मजाक बना दिया लोगों ने यार। नहीं करनी तो भाई मत करो ना राइड यार, बुक कर रहे हो तो भाई एटलीस्ट सोच समझ के तो करो। 3 राइडें कैंसिल हो चुकी हैं ऊबर पे मेरी, ये 3री राइड थी, ये तो आपके कैमरे पे आपके सामने हुई है कैंसिल यार, मतलब हद है, कुछ नहीं कर सकते भाई। मुझे नहीं लगता भाई बाइक टैक्सी गवर्नमेंट ने बैन तो कर दिया पेट्रोल वाले, और सही बात है पेट्रोल चला के हम करेंगे क्या, पेट्रोल ही फूकेंगे जब इस हिसाब से काम होगा तो, पेट्रोल थोड़ा फूकना है। चलिए देखते हैं दोस्तों, वेट करते हैं और कब तक राइड आती है। तो दोस्तों लगभग भाई 1.25 घंटा वेट किया मैंने, तब जाके राइड मिली है रैपिडो पे। और हमें जाना है कहाँ जाना है भाई, हाँ राजीव चौक CP कनॉट प्लेस जाएंगे भाई, देखते हैं उसके बाद क्या मिलता है वहाँ पे। बट चलो अच्छी बात है यार, कनॉट प्लेस तो जाने को मिलेगा, साउथ साइड सॉरी सेंटर साइड वहाँ मिलेगा कुछ बढ़िया, मतलब हद है यार, वरना 1.25 घंटा वेट करा। राइडें आ रही है छोटी छोटी नांगलोई के अंदर की, यार नांगलोई के अंदर कौन जाएगा यार। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, कस्टमर को पिक करते हैं भाई और राइड को पूरा करते हैं। चले भाई कस्टमर मिल गए, बढ़िया। लो भैया एक सेकेंड, 1161 1161। चलिए भैया बैठिए,
अरे क्या ये, चलो भैया ये राजीव चौक मेट्रो पे। हाँ हाँ चले दोस्तों भाई, 18 किलोमीटर का रास्ता है। चलो भाई इतनी देर वेट किया तो बढ़िया राइड तो मिली, आई होप अब फटाफट चले। तो दोस्तों देखो भाई ये है, फिर से एमसीडी वाले उठा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियाँ भाई, और अभी भी एक दो गाड़ी की और जगह है भाई, 7 गाड़ी उठा ली। अरे यही होता है भाई, गलत जगह का डीसी में तो बहुत ज़्यादा उठती है भाई। कुछ नहीं भैया बात करो भाई, सब बहुत उठती हैं गाड़ियाँ, ये सीन सही है भाई। इससे अच्छा पार्किंग लगाओ यार, 10-20 रुपये खर्च करके क्यों रिस्क ले रहे हो, 200 रुपये तो कहीं नहीं जाने वाले अब मिनिमम, साले 200 रुपये तो लेंगे ही अब, तभी छोड़ेंगे गाड़ी। चलो कोई नहीं भाई, तभी मैं यार मैं कभी बाहर नहीं लगाता, मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार पार्किंग में ही लगे गाड़ी, बहुत रिस्क रहता है इनका, साले उठा जाएंगे उठा के ले जाएंगे। और एक तो गाड़ी को भी नुकसान होता है यार, जो गाड़ी के नुकसान होगा वो अलग, कोई टूट फाट गया ये मानेंगे थोड़ी, ये थोड़ा भरेंगे कुछ। अपनी गाड़ी तो भाई एथर हो चाहे पल्सर हो चाहे कोई भी गाड़ी हो यार, अपने लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो इससे अच्छा सेफ्टी रखो यार और पार्किंग में लगाओ गाड़ी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं भाई फटाफट, और सीपी चलते हैं भाई, वहीं तो हम जाना चाहते हैं वैसे भी हर बार। भाई इतना देर वेट किया यार, थक गया सही तो, वेट कर करके भी थक गया यार, अब देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, ड्रॉप करते हैं कस्टमर को, राइट एंड कर दूं। ये टाइम ट्यूब के ट्रैफिक की वजह से बढ़ाते हैं, चलिए अपना हो जाएगा। थैंक यू भैया। तो दोस्त अरे वाह, एक और राइड गुरुद्वारा बंगला साहिब तक यार, चलो ले लेते हैं दोस्तों, छोटी सी राइड है। अरे गायब हो गई क्या? हाँ नहीं भाई, आ गई। तो दोस्तों एक और छोटी सी राइड है यार, है तो छोटी सी, बंगला साहिब तक जाना है बस, तो मैंने कहा ले लेते हैं भाई, अब रैपिडो ऑन किया हुआ तो करते हैं फिर, अब इलेक्ट्रिक है तो भाई कुछ तो बेनिफिट उठाएं। चलिए 214 रुपये इसका हिसाब बताऊंगा भाई, एक बार एक कस्टमर को छोड़ दूं, उसके बाद देखते हैं भाई क्या हिसाब मिला इसमें, वैसे मिल तो गए होंगे सही मेरे हिसाब से। तो दोस्तों रेड लाइट पे खड़े हैं भाई सीपी में, बंगला साहिब से पहले ही रेड लाइट है जो, और यार ऊबर पे भी राइड एक्सेप्ट कर चुका हूँ मैं, हमें जाना अशोक विहार, लगभग 100 रुपये के आसपास की राइड है, और पहले ये राइड कस्टमर की पूरी करेंगे रैपिडो पे, कस्टमर को ड्रॉप करेंगे गुरुद्वारे, और उसके बाद चलेंगे भाई फिर अशोक विहार। मतलब अभी दोनों राइडें हैं भाई मेरे पास, रैपिडो की भी है जो मैं लेके जा रहा हूँ कस्टमर को, और ऊबर की भी है जो मैंने पिकअप करने जाना है उसके बाद। बात तो सही है, तो कस्टमर को वेट तो थोड़ा सा करना पड़ेगा यार, क्या बोले, वेट करना पड़ेगा यार, तभी तो यार जाएंगे ना, क्या करूँ, क्यों ट्रैफिक ही बहुत है यार, हद से ज़्यादा ट्रैफिक है। बाकी देखते हैं, आई होप कस्टमर कैंसिल ना करे, तो राइड वो भी सही है अशोक विहार जाएंगे यहाँ से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट और करते हैं भाई, आई होप राइड मिल जाए, कस्टमर कैंसिल ना हो बस, देखते हैं। तो दोस्तों रैपिडो की भाई एक राइड उठाई थी छोटी सी, वो भी कंप्लीट की, और टोटल इनकम कर ली भाई 233 रुपये। यार ये लास्ट राइड में जो मैं लंबी लेके आया हूँ ना यार, पश्चिम विहार से सीपी, उसमें रैपिडो ने हमें दिए हैं लगभग 22 किलोमीटर के 202 रुपये। यार एकदम सही है भाई, 9 रुपये से भी प्लस रेट आया, मज़ा आ गया भाई रैपिडो की ये राइड ला करो। और जो अभी छोटी सी राइड ली है दोस्तों, मात्र 1.8 किलोमीटर की राइड थी और 30 रुपये मिल गए, और पिकअप भी मात्र 450 मीटर से थी, सही है यार। दोस्तों ऊबर भी ऑन कर लिया हमने, और देखते हैं भाई क्या बात है, राइड तो बढ़िया राइड आया, गुरुद्वारे पे खड़ा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ कोई बढ़िया राइड है, जो राइड आई थी यार वो कैंसिल हो गई। हाँ सही यार, कस्टमर वेट कहाँ करेंगे, कोई ट्रैफिक था यार, यार छोड़ते हुए कस्टमर कैंसिल होती ना तो समझ आता, पर ट्रैफिक था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट और देखते हैं भाई क्या मिलता आगे। तो दोस्तों रैपिडो पे भाई अपने राइड उठाई है,
और हमें जाना है सदर बाज़ार दिल्ली कैंट। सही है यार, बिना होम रूट के ऐसे ही राइड दे दी इसने। अरे घर जाना नहीं यार मुझे, सही कहूँ तो लगभग 12 किलोमीटर की राइड है। और पिकअप तो भाई मैं लगभग आया हूँ 1.5 से 2 किलोमीटर की पिकअप, 2 किलोमीटर की पिकअप थी। मैंने कहा ले लेते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो लंबी राइड तो मिले। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट, कस्टमर को ड्रॉप करते हैं और राइड को पूरा करते हैं। थैंक यू भैया। तो दोस्तों रैपिडो पे भाई एक और राइड कंप्लीट की हमने। अरे वाह, 105 कस्टमर से कलेक्ट किए, 4 पे रैपिडो ने भी दे दिए। बढ़िया भाई, रैपिडो वाले तो मेहरबान हो गए। अरे वाह, कितने रुपये मिले हैं भाई, दिल्ली कैंट आ गए हम यार। टोटल 102 भाई, एक्स्ट्रा किलोमीटर के भी मिले हैं। पिकअप मैंने थोड़ी लंबी ली थी ना, 2 किलोमीटर के, तो पिकअप के पैसे मिले भाई 4 रुपये। तो दोस्तों अच्छा ये मिले हैं 4 पे, तो टोटल दोस्तों लगभग 11 किलोमीटर ही था, 11 किलोमीटर के आसपास की राइड के हमें 102 रुपये मिल गए। ठीक है यार, फिर भी कोई बुरे नहीं है ऐसे। तो चलिए दोस्तों, अरे वाह, नांगल राया जनकपुरी, चलो ऊबर, चलो दोस्तों ऊबर स्टार्ट करते हैं। भाई हम रैपिडो बाबा को ऑफ कर दें और ऊबर बाबा को ऑन कर देते हैं। अब ये है कहाँ भाई राइड, बस मात्र 350 मीटर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट, कस्टमर को पिक करते हैं और राइड को पूरा करते हैं। दोस्तों मैडम ओटीपी बता देंगे, ओटीपी। चलिए भाई, और सेक्टर 19 है भाई, सेक्टर 19 जाना है। चलिए चलते हैं, 7 किलोमीटर की राइड है यार। लीजिए मैडम हेलमेट। हाँ कोई नहीं, आराम से रैपिड ऑफ कर दे भाई यार, बड़ी देर से राइड नहीं आ रही थी, अब जो मिली उठा ली मैंने बस। यहीं पे मैडम, एक सेकेंड लीजिए। आ गया ना कैश है, कैश की मेरी लिमिट आज ओवर हो चुकी है, मैं कर दूंगी इसको पहले कभी। मैं, मेरे को तो कंप्लीट करना पड़ेगा, मेरे को पहले करनी पड़ेगी आपको, तभी मैं कंप्लीट कैश कलेक्टेड बिना कैसे करूंगा, मेरे को तो कैश आ गया ना। मैं अगली राइड में कैश ऐड कर दूंगी ना। नहीं होगा मैम मेरे से, मेरे आप पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, मेरे को आपको करना पड़ेगा। क्रॉस हो गया मेरे 1 लाख की लिमिट से, तो मैंने किसी को ट्रांसफर, तो मेरा तो होगा नहीं ना मैम, होगा ही नहीं हमारा जब तक कैश कलेक्ट नहीं होगा। 150 देना पड़ेगा। हाँ 152 देने पड़ेंगे पूरे, तो क्रॉस हो तो या तो किसी से करवाइए ना, वो तो मैं तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। अब नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा ना, नहीं होगा ना मैम, अब खत्म हो चुका है वो वाला सीन। क्या देखो ये कंप्लीट करूंगा, सीधा कंप्लीट हो गई राइड, उसके बाद वो मेरे खाते में चले गए मैम, मेरे खाते में चले गए पैसे। वो कौन से वाले? ये पैसे मेरे को भरने पड़ेंगे पूरे। ठीक है, जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है कितना है, 73 रुपये के आसपास आउटस्टैंडिंग है वो सारा। सुबह वाला भी है, मैं समझ गई, बस मुझे जाने के बाद ही पता चला मैम। ये मैंने किसी से बस 200 रुपये लिए थे सब्जी के लिए, इस फ्रूट के लिए। ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस मुझे पे करना पड़ेगा अपनी जेब से, ये सारा बैलेंस मुझे पे करना पड़ेगा मैडम। ऐसे कैसे हो रहा है भाई, मैंने इसमें सेट कर रखा है। नहीं मैडम वो तो ऊबर वाले ही जाने, मैम आप कर देंगे, मेरी जेब से जाएगा मैडम। अभी अभी नेक्स्ट बाइक करूँगी ना। अरे मैडम अभी कैसे करूँ, अभी मैं कंप्लीट करती हूँ, मेरी जेब से चले जाएंगे पूरे पैसे, मैं कहाँ से भरूँगा मैडम। मैडम अगर अभी पे, मेरे को आप चाहे UPI पेटीएम करेंगे, मेरा कैश कलेक्टेड हो जाएगा, तभी मैं पे इसको कंप्लीट कर सकता हूँ राइड, अदरवाइज ये राइड कंप्लीट नहीं होगी, ये जेब मेरी जेब से जाएगा सारा सारा। तो मैं जब करूँगी तो आप तो अपना लोगे ना, बाकी तो मैं हर बार करती हूँ ऐसा, तो नहीं होता है। तो मैं मेरे साथ तो पहली बार ही हो रहा है ऐसे, तो मेरे को आज तक बोला नहीं किसी ने। मैम अभी तो मेरे को कैश कीजिए ना, अभी तो कैश कीजिए ना, अभी तो मैं करूँ करने को राजी हूँ, मेरी लिमिट है। अरे तो मैडम 150 रुपये मैं नुकसान थोड़ी खाऊंगा, आप खुद मेरे को नुकसान ही होगा मैडम, आपका नुकसान नहीं होगा ना। अरे मैडम मैं 1 साल से चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता होगा क्या बात कर रही हैं आप। मैडम उसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं कुछ सुना कर सकता हूँ। अरे मैडम मैं नहीं है ना ऐसा कोई ऑप्शन। अरे मैडम ऊबर में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं अभी, आप कहाँ से ऑप्शन बता रही हैं मेरे, मैं 1 साल से चला रहा हूँ। अरे मैडम मेरे को उससे मतलब ही नहीं है मैडम, मेरे को एक बार बताओ आप की लिमिट से, बट ऑप्शन बता दो क्या। तो मैम कैश दे दीजिए और क्या हो सकता है, मेरे पास कैश होता तो मैं फिर। अरे तो मैम मैं क्या करूँ, मेरे तो 150 रुपये जेब से जाएंगे। कर रही हूं ना, मैं आप
मतलब एक बंदे के मैम 150 रुपए जेब से भरूंगा मैं, क्या बात कर रहे हैं आप? करने की बात नहीं करी, मुझे पे करना है, मैं कर दूं। तो मैम करना तो आपको पड़ेगा ही, अब स्कैनर तो मेरा एक्सीड करके दिखा रहा है। तो मैडम इसमें मेरी क्या गलती है, एक बात बताइए, मैं अपनी जेब से 150 रुपए भरूं? मैं यही कह रही हूं, मेरी इसमें गलती क्या है आप बताइए ना, अगर मैं अपनी जेब से 150 रुपए भरूंगा? मैं आपकी जेब से नहीं भरे जाएंगे मैम, मेरी जेब। अरे मैडम एक साल से चला रहा हूँ मैं गाड़ी, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, मेरी लिमिट एक्सीड हो गई थी, चलो हो गया टाइम हो गया बस, थैंक यू मैडम। हाँ बस मैडम इसमें मेरी गलती क्या है बताइए ना? अरे गलती नहीं है, आप लोग समझते नहीं हो बातों को भाई। अरे मैडम हमारा सीधा हिसाब है, आपने कैश दिया चाहे पेटीएम कुछ दिया, हमने कंप्लीट किया, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ। इससे पहले वाले मेरे को क्यों नहीं बोल रहा ये बात? अरे मैडम वो जाने वो क्या, आपको अभी आधी नॉलेज है, आप समझ लो इस बात को, इससे पहले दो राइड और है ना इसमें। अरे मैडम एक बात बताऊँ, मैं यूट्यूबर हूँ और मैं ऊबर पे वीडियोस बनाता हूँ, अगर आप मुझे आधी नॉलेज है ना अगर, तो फिर तो शायद नॉलेज ही नहीं है किसी को। ठीक है, इससे पहले वाले ने क्यों नहीं बोली ये बात? मैम वो जाने ना मुझे क्या करना है, उसने क्या करा है? नहीं है ऑप्शन होता है, मैं आपको। अरे मैडम ये ऑप्शन 6 महीने पहले था, अरे आज की बात बता रही हूँ। चलिए ठीक है मैडम, थैंक यू। मेरा मैंने कल किसी को 99,000 का एक्सीड कर गया था, मैंने अभी सब्जी खरीदी ना तो मेरा टाइम नहीं होता, मैंने कल लगभग इसी टाइम करा था, कल मैं छुट्टी पे थी तो मैंने किसी को ट्रांसफर करा था, और टाइम ओवर होते ही तो वो दिखा देता है, मेरा 1 लाख की पर डे की लिमिट है। वो तो मैम सबकी होती है यूपीआई में, समझ गया मैं आपकी बात, बट मैम इससे पहली बार ही सुना है कि 6 महीने पहले ऑप्शन आते थे ऐसे, तो ऐसा ऑप्शन तो मैंने आज तक नहीं देखे। बताओ नहीं, पहले वाली पेंडिंग पेमेंट कैसे है? तो मैम पेमेंट तो पेंडिंग अब कैसे है, आपने पे नहीं करा होगा, या तो उसने कस्टमर केयर बात करो कुछ भी करो। नहीं मैंने ये डाला था पे विल बी पेड टू नेक्स्ट, या आपने अपने ऐप से, सॉरी आपने ऐप से डाला था ना? हाँ तो आपने अपने ऐप से कहाँ डाला? मैंने डाल दिया था विल बी पेड टू नेक्स्ट, पर मेरे को तो आ गया ना पेमेंट। अब आप जब डालोगे तो मैं नहीं क्लोज करूंगी, तो मेरे से लेगा वो, आपसे नहीं। अरे मैडम क्या बात कर रहे हैं आप, चलिए कोई नहीं। तो दोस्तों कैसे कैसे कस्टमर मिलते हैं यार, हद है भाई, पेमेंट हो भी गई तब भी ड्रामे हैं पेमेंट ना देने के, हद। मतलब यार गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है मैडम, तब भी इतने नखरे, 150 रुपए के लिए यार, मतलब बहस कर रही है मेरे से, खुद के पैसे हैं यार, मैं कौन सा अपने एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ। चलो यार अब क्या बोलें दोस्तों, 137 रुपए माइनस है भाई, इसको भी पे करें, देखते हैं दोस्तों इसके बाद क्या राइड मिलती है यार। 38% बैटरी है, ज़्यादा लंबी राइड तो लूँगा नहीं मैं, छोटी छोटी राइड ही कोई मारते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी भाइयों, और आज यार ज़्यादा इनकम हुई नहीं, मतलब नॉर्मल हुई पार्ट टाइम के हिसाब से, मेरे हिसाब से सही है, बट यार सही में राइडें बहुत कम है, समझ नहीं आ रहा यार, गवर्नमेंट ने पेट्रोल बाइकें बैन की हैं तो भाई अच्छा है, पर जो हिसाब से कैंसिल हो रही है राइडें और राइड नहीं है ना, तो भाई पेट्रोल ही फूकते हम बस, समझ नहीं आ रहा भाई अच्छा है बुरा है क्या है, मेरे को तो मतलब गलत मत लेना आप लोग, बट यार क्या बोलूँ मैं, राइडें इतनी कैंसिल, 3 राइडें कैंसिल हो गई यार पश्चिम बिहार बैठे बैठे, एक तो मेरे सामने करी कस्टमर ने मेरे पहुँचते ही, तो मतलब यार हद है। तो दोस्तों आज जो इनकम हुई यार ऊबर पे हुई है भाई 247 की, और रैपिडो पे हमने काम किया है 335 रुपये का, तो टोटल इनकम हुई यार 582 रुपये, और यही इनकम रही यार, और 2 बजे स्टार्ट किया था मैंने दोस्तों, और मैं रात को 9 बजे के आसपास लोग घर आया हूँ, तो आप लगा लीजिए 7 घंटे की इनकम है ये मेरी 582, 7 घंटे में से लगभग 2 घंटे मैंने वेट किया है, 1.25 घंटा पश्चिम बिहार में वेट किया यार, और 45 मिनट 50 मिनट के आसपास मैंने सीपी में ही वेट किया, तब जाके राइड आई थी, की छोटी छोटी राइडें नहीं मारी मैंने कि मतलब कि ढंकी राइड का वेट किया यार, तब जाके राइड मिली मेरे को, मतलब हद है बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है यार राइडों में, ना ऊबर पे आ रही ना रैपिडो पे आ रही कोई ढंकी राइड, कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते यार कभी भी, यही है अपने काम का, कभी ज़्यादा कभी कम, इसमें यही होती है हमारी इनकम। बाकी अभी तो यार हम एथर से करेंगे दोस्तों बाइक टैक्सी, बाकी पोर्टर पार्सल फूड डिलीवरी मैं अभी बाइक से करूंगा, अगर रात को करूंगा तो फुल नाइट की वीडियो जब बनाऊंगा तो बाइक से ही करूंगा यार, वो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा यार लास्ट कस्टमर जो मैडम थी वो कह रही यार आउटस्टैंडिंग में डाल दो, कैसे डालते हैं भाई, पहले तो मुझे पता एक ऑप्शन होता था ऊबर में भाई आउटस्टैंडिंग डालने का, कस्टमर पेड नथिंग, अब कहाँ से ऑप्शन आ रहा है यार, ये हम बार बार क्या कस्टमर को वही करते रहेंगे, कस्टमर केयर कॉल करते रहेंगे, मैडम ने पता नहीं क्या है यार, और ये बाद में हो भी गए उनसे UPI, कह रही मेरी लिमिट क्रॉस हो गई है, अरे यार 150 रुपये के लिए क्यों मेरा नुकसान करवा रहे हैं मैडम, तो ऐसे ऐसे कस्टमर होते हैं यार लड़ने लग जाते हैं, यार तुमने राइड किया है सब कुछ किया है, हाँ उनके ऐप से करने का ऑप्शन होता होगा कस्टमर ऐप से, कि कस्टमर ऐप ने ऐप से डाल देते होंगे तब हमारे यहाँ 0 आता होगा, ये हो सकता है, बट भाई हमारे यहाँ से राइडर एज अ राइडर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो अगर 150 रुपये दिखा रहा है तो भाई 150 लेने हैं कस्टमर से, तो ऐसे ऐसे लड़ते हैं यार कस्टमर, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे क्या सीन है, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, पहली बार ऐसी मैडम मिली है, ऐसे कस्टमर मिला है कि भाई ऊपर से गई मेरी बात, यार पहले होता था 6-7 महीने पहले था ये सीन ऊबर में, बट अब नहीं है यार ऐसा कोई सीन, कस्टमर अपने ऐप से करेंगे तब जाके हमारे यहाँ 0 आ जाएगा कैश,
वो तो चल जा, समझ सकता हूँ मैं। उन्होंने अपने ऐप से किया नहीं, मेरे यहाँ आ गए 150 रुपये। भाई भरो ना यार, तुम राइड मारते रहो और तुम्हें फ्री की राइड चाहिए, और हो भी गए उनके ऐप से, UPI हो भी गई, कह रही मेरी लिमिट क्रॉस हो गई। यार 150 रुपये के लिए तुम इतने ड्रामे कर रहे हो, हद है यार। कस्टमर मतलब कैसे होते हैं यार लोग, मतलब समझ नहीं आता मेरे को। चलिए यार आप लोग बताना दोस्तों इसके बारे में क्या आपकी राय है। बाकी यार बाइक टैक्सी बैन हो चुकी है, बाइक टैक्सी में हम पेट्रोल बाइक यूज़ नहीं कर सकते दिल्ली में। हाँ अगर कभी करनी होगी बाइक टैक्सी दोस्तों, तो मैं वही करूँगा, पोर्टर या उबर का कोई पार्सल लेके गुड़गांव या नोएडा चले जाएंगे, वहीं करेंगे बाइक टैक्सी पूरा दिन, और ऐसे ही करेंगे यार, तभी मज़ा आएगा बढ़िया काम करने में तो मेरे हिसाब से। पर दिल्ली में भाई पेट्रोल बाइक से बाइक टैक्सी नहीं कर सकते दोस्तों, बैन हो चुका है। 3-4 मैटर दिख चुके हैं मेरे को केस, जहाँ चलान कटे हैं। इसलिए भाई बाइक आप भी ना करें कोशिश करें, या छुप छुपाते कर तो सकते हैं यार, बट भाई ये रिस्क बहुत ज़्यादा है, चलान कट जाएगा भाई, सारी इनकम वहीं चली जानी है। कंपनियाँ हमें अट्रैक्ट तो कर रही हैं, जीरो कमीशन दे के, पर भाई क्या फ़ायदा। तो बस यही है भाई, जिसके पास इलेक्ट्रिक है इलेक्ट्रिक से करो, और जब तक जीरो कमीशन है तो दबा के कमाओ। मैं भी यही करने वाला हूँ भाई, जीरो कमीशन एथर से करेंगे, दबा के कमाएंगे। हाँ जिस दिन मेरा गुड़गांव जाने का मन होगा तो अपनी पल्सर निकालेंगे भाई, पार्सल उठाएंगे कोई, गुड़गांव निकलेंगे, वहीं जाके काम करेंगे दबा के, क्योंकि भाई जीरो कमीशन तो ऑल ओवर दिल्ली NCR है, गुड़गांव गाजियाबाद फरीदाबाद नोएडा हर जगह जीरो कमीशन चल रहा है, तो वहाँ तो काम कर ही सकते हम, वहाँ तो पेट्रोल बाइक चलाओ, खुल के चलाओ। तो चलिए दोस्तों आई होप आप लोगों को यार इस वीडियो में मज़ा आया होगा, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।